हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का अन अकेडमी के यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम। और जैसे कि आज आप सभी को पता है, आज हम लोग करने वाले हैं मेंस लेवल के कुछ क्वेश्चंस। कल मैंने आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था, सो आई होप सो कि आप लोगों ने उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया हो। सो प्लीज़ जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपने क्वेश्चन सॉल्व करा है, येस और नो, प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। देखो एक्चुअली क्या होगा, आप लोगों के कमेंट्स है ना, जितने मतलब ये क्लियर हो जाएगा कि किस किस ने क्वेश्चन को एक्चुअल में सॉल्व किया था। सॉरी फॉर द डिले ड्यू टू पावर कट, आज की क्लास थोड़ा सा डिले हो गई है। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो करना स्टार्ट करिए रक्षंदा सिंह के नाम से। इससे मेरे जितने भी अपकमिंग सेशंस होंगे उन सबका नोटिफिकेशन आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और सारे के सारे सेशन आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा होने वाले हैं हेल्पफुल। सो बिना किसी देरी के साथ जल्दी से सेशन को शेयर करिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, और जल्दी से कमेंट करके बताना स्टार्ट करिए कि कौन कौन मेरे साथ लाइव आ चुका है। सो जस्ट अ मिनट, एक सेकेंड का टाइम दीजिएगा, मैं क्लास का लिंक शेयर कर दूँ, सब लाइव आ जाए, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है? बस जस्ट अ सेकेंड का टाइम दे दीजिए। सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से बैच है जो 18th अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं, उनके बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सो जल्दी से देखिएगा, अनअकैडमी इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर द बैंक प्रिपरेशन। यहाँ पे 30+ एक्सेस मिलता है एवरी मंथ, 40 के रिकॉर्डेड आवर्स मिल जाते हैं, 20 आवर्स एड होते हैं फॉर योर चॉइस, 20 के प्रैक्टिस क्वेश्चन थे, 70+ एजुकेटर्स है, 98% ट्रस्ट है बैंकिंग एस्पिरेंट्स का। सो बैचेस कौन कौन से स्टार्ट हुए, 18 से जो आपके बैच स्टार्ट हो रहे हैं, फर्स्ट इज रणवीर एडवांस बैच, सेकेंड इज रणविजय बैच, नेक्स्ट आपके स्ट्रॉन्गर बैच, स्ट्रॉन्ग लाइन ऑफ बैच हैं, फाउंडेशन बैच, रणवीर बैच एंड रणविजय सेट एग्जाम बैच। आस्क अ डाउट वाई अन अकेडमी, क्या है ये? जैसे कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट रहता है, डाउट क्या रहता है, तो डाउट की मैं बात करूं, ठीक है, डाउट ये रहता है कि मैम बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसमें डाउट है तो कैसे सॉल्व होगा। सो उसके लिए अन अकेडमी में एक नया फीचर ऐड हुआ है, दैट इज आस्क अ डाउट। आपको क्या करना है, अन अकेडमी के ऐप पे जाना है, डाउट एंड सॉल्यूशन वाले कॉलम में जाना है, डाउट एंड सॉल्यूशन को सेलेक्ट करना है, और उसके बाद आप क्या करेंगे, रुकिए मैं बताती हूँ, ठीक है। आस्क अ डाउट एंड अपलोड योर, जो भी आपकी इमेज है उसको क्रॉप करिए, हाईलाइट करिए, और अपने क्वेश्चन को वहां पे बोल दीजिए, एंड आपका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। बैंक कॉम्बैट ये क्या है, दिस इज इंडियाज बिगेस्ट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट, और ये रहता है आपका एवरी संडे, टाइमिंग इज सुबह 10 बजे, एंड हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है, 36 क्वेश्चन 50 मिनट में सॉल्व करने हैं बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस। और इसके लिए जो कोड यूज करना है, दैट इज RAKSH10, ये कोड इनरोल कोड है जो आप यूज कर सकते हैं, एंड डिपेंड ऑन योर परफॉर्मेंस। देखो ऑल ओवर इंडिया ये मॉक रहता है, आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ से डेफिनेटली प्राइज मिल जाएगा। सेव बिग वन बैंक कैसे से कॉम्बो, ये क्या है, अगर आप अभी सेट एग्जाम प्रिपरेशन ज्वाइन करते हैं तो आपको यहाँ से 21% ऑफ मिल जाएगा, एंड 6+6 एडिशनल मंथ एब्सोल्युटली फ्री मिलने वाले हैं, ओल्ड प्राइस नहीं, आपको ये ऑफर प्राइस पे करना है, एंड इसके लिए जो कोड यूज करना है दैट इज RAKSH10, ये कोड आप यहां से यूज कर सकते हैं। हेलो तौफीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो हम बात करते हैं नवार्ड एंड RBI, जैसे कि आपको पता है अदर एग्जाम के अकॉर्डिंग नवार्ड और RBI की प्रिपरेशन डिफरेंट रहती है। सो अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो आपको 75% ऑफ मिल जाएगा, वो भी न्यू रेट ऑफर प्राइस में, कोड आपको यूज करना है RAKSH10, ये कोड आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। अगस्त ऑफर बैंक, ये एडिशनल मंथ से जो आपको फ्री मिलने वाले हैं, और ये आपका रहने वाला है प्राइस। सो स्पेशल क्लासेस की टाइमिंग रहती है 4 PM, 12 PM एंड 6 PM, तो अगर अभी तक आप लोग स्पेशल क्लास में इनरोल्ड होना स्टार्ट नहीं हुए तो होना स्टार्ट हो जाइए, एंड प्राइस हाइक होने वाले हैं, सो जल्दी से इनरोल्ड होना स्टार्ट करिए। कोड आपको यूज करना है RAKSH10, ये कोड आपको यूज करना है। अगर आप 24 मंथ्स के लिए ज्वाइन करते हैं तो आपको 293 per month, 488 per month for 12 months, 6 months 780 and
ये कोड आपको यूज करना है तो जल्दी से प्लस में एनरोल्ड होना स्टार्ट हो जाइए। और मेरा जो प्लस पे कोर्स आ रहा है वो आ रहा है आपका 18th ऑफ अगस्त से, और 18th ऑफ अगस्त टाइमिंग रहेगी मॉर्निंग 8 AM। देखो प्री एग्जाम ओवर हो चुके हैं, हम लोग फोकस कर रहे हैं मेंस एग्जाम पे, सो आप सभी को फोकस करना है मेंस एग्जाम पे। सो व्हाट यू विल गेट, डेली की लाइव क्लासेस, लाइव टेस्टर्स एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस। सो ये टेस्ट सीरीज है जो आपको मिलने वाली है। सो रेडी स्टडी एंड गो, रेडी हैं आप सभी लोग, स्टार्ट किया जाए सेशन। कल मैंने आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था, तो आई होप सो कि आप लोगों ने उसको ट्राई किया होगा। नहीं किया है तो कोई इशू नहीं है, तो हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज़ एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि ये वाला होमवर्क क्वेश्चन क्या किसी से सॉल्व हुआ, यस और नो, यस और नो। प्लीज़ जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या ये होमवर्क क्वेश्चन आप में से कोई भी सॉल्व कर पाया है, यस और नो, प्लीज़ जल्दी से कमेंट करिए। जल्दी से बताइए क्या ये होमवर्क क्वेश्चन आप में से किसी का भी सॉल्व हुआ। ट्राई किया था तौफीक? तौफीक क्वेश्चन ट्राई किया था, यस और नो प्लीज कमेंट करो। ये क्वेश्चन कल मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था, क्या किसी ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, जल्दी से बताइए। ओके ओके, कोई बात नहीं, कल क्लास अटेंड नहीं किए थे, कोई इशू नहीं है। और बाकी लोग कहाँ गायब हैं आज? चलो, किसी का सॉल्व हुआ है, यस और नो। हेलो दिव्यम, कैसे हैं आप? और ये मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिया था, तो क्या ये किसी का सॉल्व हुआ है? क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपको पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग एलिमिनेट करना है। क्वेश्चन अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी। आपसे बोला गया है 8 पर्सन है, और 8 में से 4 ट्रू बोल रहे हैं और 4 फॉल्स बोल रहे हैं। मतलब आप बोल सकते हो कि 4 इज अ ट्रुथ टेलर एंड 4 इज अ लायर, करेक्ट? डिसाइड आपको करना है कि इसमें से ट्रुथ टेलर कौन है, लायर कौन है, उसके अकॉर्डिंग पूरा अरेंजमेंट कंप्लीट करना है। सो जल्दी से स्पीड से कमेंट करिए क्या ये क्वेश्चन किसी से सॉल्व हुआ था, यस और नो, यस और नो। स्पीड से बताओ सॉल्व हुआ है या फिर मैं स्टार्ट करूं? जल्दी से बताइए सॉल्व हुआ या फिर स्टार्ट किया जाए। दिव्यम, सॉल्व हुआ बेटा ये क्वेश्चन? ट्राई ही नहीं किया? चले, कोई बात नहीं, जिसने ट्राई नहीं किया कोई इशू नहीं है। सो अभी दोबारा से इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, मेंस एग्जाम का क्वेश्चन है। देखो मैंने आपको कल ही बताया था कि जो क्वेश्चन लेंथी होते हैं, जरूरी नहीं होता वो डिफिकल्ट हो, बट कभी कभी क्या होता है ना, जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, जैसे इस क्वेश्चन को आप देखोगे आप कहोगे बहुत सिंपल है, बट ये क्वेश्चन सिंपल होने के साथ साथ थोड़ा सा ट्रिकी है। सो जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करिए, मैं आपको दे रही हूँ 5 मिनट का टाइम, ठीक है? 5 मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाने वाला है, सो टेक योर टाइम और स्पीड से इसको सॉल्व करना स्टार्ट करिए, और देखते हैं आप में से कितने लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, ठीक है? तो जल्दी जल्दी से इस क्वेश्चन को स्पीड से सॉल्व करना स्टार्ट करिए, योर टाइम है स्टार्ट नाउ, जल्दी जल्दी से करिएगा।
कल मैंने आपको एक पजल कराई थी बल्ब ब्लिंक वाली, वो बहुत लेंथी थी बट बहुत सिंपल थी। ये क्वेश्चन बहुत छोटा सा है बट थोड़ा सा ट्रिकी है, तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है ध्यान से इस क्वेश्चन को करिए, नहीं होगा देन मैं एक्सप्लेन करूंगी, बट एटलीस्ट एक बार अपने आप ट्राई करना है आप सभी ने, ठीक है। सो जल्दी से स्पीड से जल्दी से सब सॉल्व करना स्टार्ट कर दो भाई। स्पीड से जल्दी से सारे लोग सॉल्व करिए, फिर मैं आपको बताऊंगी कि इस क्वेश्चन को एक्चुअल में स्टार्ट कैसे करना है, ठीक है। सो जल्दी से स्पीड से ध्यान से सॉल्व करिए जल्दी जल्दी। कुछ वो ग्रीन एरो से कुछ नहीं दिख रहा बेटा, ग्रीन एरो पे एक्चुअली ना थोड़ा सा पावर कट हो गया है, तो जस्ट आप इग्नोर करिएगा, आई थिंक और सब तो क्लियर होगा। ये ना एस है, ये एस है आपका, एस है एस, ठीक है, ये एस दिया हुआ है दिव्यम, थोड़ा सा इग्नोर करिएगा लाइट्स को क्योंकि सडनली पावर कट हो गया, यहाँ बहुत बार पावर कट हो रहा है। एक सेकेंड में थोड़ा सा कोई लाइट बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है करिए, रोहित सेज टी एस क्यू टी एस यू और डब्लू, नो टी ट्रू है, आर ट्रू है, पी ट्रू है, क्यू ट्रू है। हाँ रोहित करेक्ट बेटा, अरेंजमेंट कर लीजिए अब इसका। ग्यारह टाइम अप, घंटियां बज चुकी हैं। सो मैं स्टार्ट करूं इस क्वेश्चन को,
जल्दी से बताओ, स्टार्ट करें, ध्यान से देखो कितना इजी है। जस्ट मुझे इग्नोर करिएगा क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा भूत जैसे दिखने वाली हूँ, ठीक है, गोस्ट जैसा, क्योंकि लाइट चली गई है, सडनली पावर कट हो गया है। सो बस बोर्ड की लाइट है तो उससे आप लोग देखिएगा, समझने की कोशिश करना, ठीक है। क्या हुआ रोहित, क्या बोल दिया मैंने? चलो देखो, सो यहाँ पे लिखा है कि पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू आर सीटेड अराउंड अ सर्कल टेबल सच दैट दे आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर एंड फेसिंग इनवर्ड, ठीक है। फोर ऑफ, पता नहीं क्या हुआ आज, नॉर्मली नहीं जाती है बट सडनली आज बहुत ज्यादा पावर कट कर रहा है। फोर ऑफ देम आर ट्रू पर्सन ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ एंड रिमेनिंग फोर आर फॉल्स एंड द ट्रू फॉल्स पर्सन आर सीटेड ऑल्टरनेटली। मतलब जब आप अरेंज करोगे सो ट्रू फॉल्स इस तरह से अरेंज होगा ये, ठीक है। ये एट पर्सन है तो जब आप इनको अरेंज करोगे तो ये ऐसे अरेंज होंगे, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक है। आगे बढ़े, अब यहाँ पे आपके सामने ये इतने पर्सन है, आपको किसी के बारे में भी, ये तो बहुत मस्त क्वेश्चन है, ओके, ये किसी के बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अब हम स्टार्ट कैसे करेंगे, ध्यान से मेरी बात समझना। मैं अगर ऐसे स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है, तो अगर मैं ऐसे स्टार्ट कर रही हूँ, ध्यान से मेरी इस बात समझना, अगर मैं एस को का स्टेटमेंट ट्रू कंसीडर करती हूँ, बिकॉज मुझे नहीं पता कि कौन से वाले बंदे का स्टेटमेंट करेक्ट होगा या रॉन्ग होगा, तो अगर मैंने एस का स्टेटमेंट ट्रू लिया, सो अगर एस का मैंने स्टेटमेंट ट्रू लिया, सो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। सो एस यहाँ रखोगे एंड लिखा है कि यू इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट, सो फर्स्ट और सेकंड, तो ये वाला पर्सन भी ट्रू 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 और ट्रू होगा ना, करेक्ट है। अब एक बात बताओ, अगर यू ट्रू है तो यू का स्टेटमेंट भी ट्रू होना चाहिए ना। यू क्या बोल रहा है कि पी इज सिटिंग अपोजिट टू मी, सो यू ये है, यू के अपोजिट पी जाएगा तो पी का स्टेटमेंट भी ट्रू होगा। और जब पी का स्टेटमेंट भी ट्रू होगा तो पी सेज आर हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ बी, ठीक है, इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ माई, तो पी ये है, इसके लेफ्ट में आप नहीं जा सकते, सो ये कन्फर्म है कि जो एस है आपका क्लियर है, जो एस है वो आपका ट्रू नहीं हो सकता। मतलब चल जाओ भाई, एस का स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, 100% श्योरिटी है एस का स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, ये कंफर्म हुआ। एस और यू दोनों के स्टेटमेंट फॉल्स हो गए ना, सो एस और यू दोनों के स्टेटमेंट हो गए आपके फॉल्स, करेक्ट है। आगे पढ़ते हैं, समझ में आ रहा है ना सभी को। अब पी के बारे में नहीं पता, पी मे बी ट्रू मे बी फॉल्स, यू कांट से, बट आगे पढ़िए। आगे हम किसको ले सकते हैं, आगे मैं आर को ले सकती हूँ, आर को मैं ट्रू ले सकती हूँ, ठीक, ये वाला केस एलिमिनेट हो गया। अब अगर मैं आर को ट्रू ले रही हूँ, आपको पता है कि ये जो बंदे हैं ये ट्रू ट्रू हैं, ये फॉल्स फॉल्स है, सो अगर मैंने आर को ट्रू लिया, टी इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ माई, सो फर्स्ट और सेकेंड दैट इज टी, और जब ये टी आएगा तो टी बोल रहा है एस इज अ फॉल्स पर्सन, ओके, ठीक है, सो टी के अकॉर्डिंग एस फॉल्स है तो हम कंसीडर नहीं कर सकते यू कैसे फॉल्स हुआ। बेटा यू ऐसे फॉल्स हुआ कि अगर हम यू को ले रहे हैं तो यू का कंफर्म स्टेटमेंट होगा ना कि यू के अपोजिट पी जाएगा, देखो पी सिटिंग अपोजिट टू मी, और अगर यू के अपोजिट पी जाएगा तो पी भी तो ट्रू होना चाहिए ना, बट पी का स्टेटमेंट तो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, सो यू भी यहाँ पे आपका फॉल्स हो जाएगा, क्लियर दिव्यम, आया समझ। सो आर और टी के बारे में आप कुछ भी कंफर्म नहीं कर सकते कि इसमें कौन ट्रू होगा, फाइनली लाइट आ गई, ठीक है, कि इसमें कौन ट्रू होगा और कौन फॉल्स होगा। जस्ट अ मिनट, बड़ा ऐसा लगता है ना लाइट आने के बाद कुछ भी दिखना बंद हो जाता है, इतना क्लियर हुआ, जल्दी से बताओ दिव्यम, ये समझ में आया? सो ये वाला आप कुछ कंफर्म नहीं कर सकते, ठीक। अब हम किसको ले सकते हैं, अब मैं वी को ले सकती हूं क्योंकि हमें आर और टी के बारे में कुछ भी कंफर्म नहीं है कि इसमें कौन ट्रू है कौन फॉल्स है। अब हम वी को लेते हैं ट्रू टेलर, मतलब ट्रू टेलर इन द सेंस जो हमेशा ट्रू बोल रहा है,
सो मैंने वी ये लिया, वी क्यू इज सिटिंग अपोजिट टू मी, तो क्यू इसके अपोजिट है तो क्यू इज अ ट्रूथ टेलर. डब्ल्यू इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ माय, सो 1 2 3 दैट वॉज डब्ल्यू. अब ये इतना क्लियर हुआ आपका, यहां तक समझ में आया? W क्या है, W किस प्लेस पे आ रहा है, ये वाले पर्सन को आप ट्रू 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 कंसीडर करोगे ना, तो ये W फॉल्स वाले प्लेस पे आ रहा है. बट W सेज V इज अ ट्रू पर्सन, सो क्या कोई फॉल्स वाला पर्सन कभी ट्रू बोलेगा? नहीं बोल सकता ना, क्योंकि हमने लिया था W को फॉल्स पे, बट W ट्रू बोल रहा है, सो ये कैंसिल हो गया. सो आपको पता चल गया कि यू और वी कौन, डब्ल्यू और वी कौन हो जाएंगे, सो डब्ल्यू और वी भी आपके फॉल्स हो जाएंगे. क्लियर? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, किसी का कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट करना. सो आपको पता चला कि एस यू वी डब्ल्यू फॉल्स हैं आर क्यू टी पी ट्रू है. डन, इज इट क्लियर, यस और नो? हेलो रजनी, हेलो रिया, हेलो वैभव. चलिए देखिए ध्यान से, ये समझ में आया? रजनी इस क्वेश्चन को दोबारा मतलब घर पे सॉल्व किया था, जिसका नहीं हुआ था मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगी, ध्यान से समझ लेना, मैं दोबारा से रिपीट करूंगी. जितने लोग भी लेट लतीफ हैं, सो यहां तक ध्यान से देखो, ये आपके हो गए ट्रू ट्रू ट्रू, ये आपके हो गए फॉल्स फॉल्स फॉल्स. ठीक, अब यहां पे ट्रू आपने किसको लिया है? आर ट्रू, पी ट्रू, क्यू ट्रू, टी ट्रू. ठीक, सो हम स्टार्ट किससे करेंगे? पी से स्टार्ट कर सकते हैं, पी इज अ ट्रू. तो पी है, पी बोल रहा है आर हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी. ओके, सो हम किससे स्टार्ट करें? हम टी से स्टार्ट करते हैं, टी इज अ ट्रू है ना, टी रिलेट नहीं करना है. सो आर से स्टार्ट कर रहे हैं, आर से टी सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ माय. ठीक है, सो अगर मैंने ये टी रखा, देखो कलर चेंज करके मैं लिख रही हूँ, अगर मैंने ये टी रखा, ठीक, सो आर टी सिटिंग सेकंड लेफ्ट ऑफ माय, तो दैट इज आर. क्लियर? अभी मैं रिपीट कर दूंगी. हेलो रिया, आपकी फर्स्ट क्लास है आज. चले, सो टी आ गया, आर ही आ गया, अभी मैं रिपीट कर दूंगी, टेंशन मत लेना. आर आपका ट्रू था, क्यू ट्रू था, टी ट्रू था और पी ट्रू था. ठीक, आर हो गया. अब लिखा हुआ है पी का स्टेटमेंट, आर हु इज इन इमीडिएट नेबर ऑफ बी इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ माय. ठीक है, अब ध्यान से समझो, अभी कोई पॉइंट मैं मिस तो नहीं कर रही हूँ. टी और आर आपका फिक्स हो गया था, ठीक, और यू का स्टेटमेंट फॉल्स था, क्यू सिटिंग अपोजिट टू मी, वी फॉल्स है, सो आर टी सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ माय. ओके, क्यू एस इज अ फॉल्स पर्सन, ठीक है, डब्ल्यू सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ माय. तो आपने ये पता है कि क्यू और आपका क्या आया है, पी, क्यू और पी यहाँ जाएंगे. ठीक, क्यू और पी यहाँ जाएंगे, और पी जो लिखा हुआ है कि पी क्या बोल रही है, इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ माय, मतलब दैट इज, जस्ट अ मिनट, दैट इज पी. और जब ये पी आएगा तो ये बाय डिफॉल्ट आपका क्यू बचेगा, और डब्ल्यू इज सिटिंग, सो 1 2 3 दैट इज डब्ल्यू. क्लियर हुआ, आ गया समझ में? नो इशू रजनी, क्या बोल रहे हो आप? मैम ये मैं एंड माई किसके लिए बोला है? मी एंड माई खुद के लिए ही बोला है बेटा, इतना मैं ना कभी मैं पूरा रिपीट कर दूंगी. ठीक, अब ध्यान से सुनो, टी आर डब्ल्यू पी क्यू हो गया, अब इसको रिलेट कर लो, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है.
एस बोल रहा है ना कि यू इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ माय, ठीक है, सो यू उसके सेकेंड लेफ्ट में नहीं आएगा. पी इज सिटिंग अपोजिट टू यू, तो नहीं आएगा पी के अपोजिट यू. टी इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ माय, सो आर के सेकेंड लेफ्ट ये आपका वी आ जाएगा. एंड बी इज अ ट्रू पर्सन डब्ल्यू एंड ही इज फेसिंग यू, तो बी का फेस यू की तरफ नहीं आएगा तो यू ये आएगा और लास्ट में एस ये बचेगा. करेक्ट, क्लियर हुआ? चलो मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ. पहले बताओ रोहित दिव्यम, आप लोग स्टार्टिंग से थे, रोहित दिव्यम वैभव समझ में आया? मैं भी दोबारा से रिपीट करूंगी. क्वेश्चन बहुत सिंपल था बट थोड़ा सा ट्रिकी था, बहुत इजी नहीं था, थोड़ा सा ट्रिकी था. ये बनेगा आपका फाइनल अरेंजमेंट. इज इट क्लियर, यस और नो? मैं अभी दोबारा रिपीट कर रही हूँ, पहले जल्दी से बताइए क्लियर हुआ या नहीं. चलो सो जितने भी लोग लेट लतीफ थे उनके लिए मैं दोबारा से ये क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ, ठीक है, जल्दी जल्दी से. अब ध्यान से समझो, यस दिव्यम, ओके रोहित. तो जो लोग लेट आए हैं ध्यान से दोबारा से समझो, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है. आपसे बोला गया है कि आठ लोग हैं, आठ लोग हैं और आठ लोगों में ऑल्टरनेट बैठे हुए हैं. ऑल्टरनेट मतलब एक ट्रू है, सो एक फॉल्स स्टेटमेंट वाला, एक ट्रू स्टेटमेंट, एक फॉल्स स्टेटमेंट, एक ट्रू, एक फॉल्स, एक ट्रू और एक फॉल्स. ये इंफॉर्मेशन दी है. आपको नहीं पता कि इसमें किसका स्टेटमेंट ट्रू है, किसका स्टेटमेंट फॉल्स है, आपको किसी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं पता. आपको बस ये पता है कि फोर पर्सन यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट वाले हैं, फोर पर्सन फॉल्स स्टेटमेंट वाले हैं, ठीक है. अब चलिए ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा. बस आपको ये पता है कि अगर आपने ये ट्रू लिया है, ठीक, ये ट्रू लिया है तो इसके अपोजिट ये सारे ट्रू वाले होंगे और ये सारे फॉल्स वाले होंगे. इतना क्लियर है? आपको किसी भी बंदे के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं पता है. हम स्टार्ट करते हैं एस से, हमें स्टार्ट करते हैं एस से. एस सेज यू सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ माय. सो अगर मैंने एस को ये लिया, सो फर्स्ट और सेकंड यू ये आएगा. यू कहाँ आ रहा है? ट्रू वाले स्टेटमेंट के प्लेस पे ना, तो यू का स्टेटमेंट भी ट्रू होना चाहिए. अब यू बोल रहा है कि पी इज सिटिंग अपोजिट टू मी, तो यू के अपोजिट आपने पी को रखा. अब पी भी ट्रू वाले पे आया, किसके भी हाँ? यू के बिहाफ पे. यू पी सेज आर हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ माय. सो पी के फर्स्ट और सेकंड क्या यहां पे आपका आर आएगा? देखो पी सेज आर हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी इज सिटिंग सेकंड लेफ्ट ऑफ माय, तो पी के अकॉर्डिंग आर नहीं आ सकता. मतलब एस और यू जो आपका जाएगा, सो एस और यू हो गए आपके फॉल्स. करेक्ट, क्योंकि P के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है ना, S और U के बिहाफ पे, तो P यहाँ है. ये केस आपका गलत हो गया. हमारे पास बचा R. अब मैं R को ट्रू ले सकती हूँ, ठीक, केस यही बना रही हूँ. बस ये समझ जाना कि ये जो पर्सन है ये आपके ये वाले पॉइंट जो रहेंगे ये ट्रू रहेंगे. आप कॉर्नर वाले भी ट्रू ले सकते हो, एक ही चीज है. अगर मैंने R को ट्रू लिया, सो R के बिहाफ पे क्या है कि T इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ माय, तो फर्स्ट और सेकंड That is T. तो T is a true. T बोल रहे हैं S is a false person. ठीक है, S false है तो उससे relate हम कुछ कर नहीं सकते. रिया आपको समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है, अब यहां पर आप S वाला point skip कर दो. ये case गलत नहीं हुआ है क्योंकि हम इस case को आगे relate नहीं कर सकते, इसलिए मैंने इसको skip कर दिया. So R और B के बारे में मुझे R के बारे में कुछ नहीं पता, ठीक है. So, मैं अब आती हूँ बी के पास. सो अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं बी को यहाँ पे ले सकती हूँ, ट्रू वाला पर्सन, जो ट्रू टेलर जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है. सो अगर मैंने ये बी लिया, सो वी से रिलेट क्या है, क्यू इज सिटिंग अपोजिट टू मी, सो बी के अपोजिट कौन जाएगा? क्यू जाएगा, ठीक है. बी बोल रहा है कि मेरे अपोजिट कौन आ रहा है? क्यू आ रहा है. डन, बी के अपोजिट कौन आ रहा है? क्यू आ रहा है, ठीक है.
और डब्लू कह रहा है कि बी इज अ ट्रू पर्सन, ठीक है. सो डब्लू कह रहा है बी इज अ ट्रू पर्सन एंड ही इज फेस यू. सो बी का फेस तो क्यू की तरफ है ना, बट डब्लू कह रहा है कि ये ट्रू पर्सन है, तो हमने इसको ट्रू लिया है तो कंफर्म है कि ये ट्रू होगा, बट इसका फेस यू की तरफ नहीं है, तो ये कंडीशन आपकी कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है. मतलब वी और यू, बी और डब्लू, यू नहीं, बी और डब्लू, ठीक है. वी और डब्लू कौन हो गए आपके, फॉल्स हो गए, ठीक है. सो वी इज अ फॉल्स पर्सन और डब्लू इज अ फॉल्स पर्सन. पहले मुझे कंफर्म बताइए, क्या ये समझ में आया? यस रजनी, ये क्वेश्चन में लिखा है ना, आमने सामने नहीं लेना है, मतलब ऐसे लेना है, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, ओके, इस तरह से लेना है. सो आपको ये पता चल गया कि एस यू वी एंड डब्लू फॉल्स मीन लायर, आर क्यू टी पी इज अ ट्रुथ टेलर, ठीक है. मैं ट्रुथ टेलर लायर बोल रही हूँ, इसको कंसीडर कर लेना, समझ जाना. अब आपने करना है फाइनल अरेंजमेंट, ठीक. फाइनल अरेंजमेंट में आप क्या करोगे, ये आपके ट्रू पर्सन है, ये आपके फॉल्स पर्सन है. ये ट्रू फॉल्स वाला कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया होगा. ऑल्टरनेट जाना है, ये कंफर्म है, हाँ ऑल्टरनेट लेना है रोहित, ठीक. अब ध्यान से मेरी बात सुनो, हम स्टार्ट करते हैं किससे, हम आर से स्टार्ट करते हैं, ठीक. मैंने ये आर लिया, टी सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ माई, तो आर ये है तो फर्स्ट और सेकेंड ये टी आ जाएगा. उसके बाद पी इज अ ट्रू टेलर, पी क्या बोल रहा है कि आर हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी इज सिटिंग सेकेंड लेफ्ट ऑफ माई, तो आर ये पी हो जाएगा. अब बी यहाँ कहीं आना है, कहाँ जाएगा हमें नहीं पता, हमें पता है कि क्यू इज अ ट्रू टेलर. क्यू बोल रहा है कि डब्ल्यू इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ माई, तो ट्रू वाला एक ही पॉइंट बचा, और फर्स्ट सेकेंड थर्ड दैट इज अ डब्ल्यू, और डब्ल्यू जब ये आ गया तो ये क्या बचा, वी. और आपको पता है उसने लिखा था कि डब्ल्यू इज अ फॉल्स पर्सन, और डब्ल्यू कह रहा है कि वी इज अ ट्रू टेलर अपोजिट टू यू, तो बी यू के अपोजिट नहीं होगा, तो यू ये आ जाएगा और एस ये आ जाएगा. क्वेश्चन हो गया आपका सॉल्व, ओके. न्यू है ये तो एकदम ओके रजनी, तो बेटा एसबीआई तो नए पैटर्न ही लाता है ना. अच्छा अब बताओ समझ में आ गया, आपको मेन यहाँ पे बस ट्रुथ टेलर मतलब ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट कंसीडर करना था, देन आपका क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाता. जल्दी से बताइए क्लियर हुआ सबका, यस और नो प्लीज कमेंट करो. क्लियर है, अभी समझ आया? रिया, रजनी, दिव्यम, रोहित, दाभव और बाकी लोग जो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, अननोन पर्सन, जल्दी से बताइए क्लियर हुआ सबका, यस और नो, यस और नो जल्दी से कमेंट करो भाई स्पीड के साथ. जोमैटो से क्वेश्चन आएगा, अच्छा रोहित चलो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो. हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी के थर्ड लेफ्ट में कौन है, जी मैम क्लियर, ओके ठीक है. रोहित सबके घर भेज रहे हैं जोमैटो से इस क्वेश्चन को. हु अमंग द फॉलोइंग इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, जल्दी से बताइए. सो बी के थर्ड लेफ्ट में कौन है, ये बी है, इसके वन टू थ्री टी, सो सही बनाया ना, अच्छा क्यू, ऑप्शन डी क्यू इज अ करेक्ट आंसर. हाँ जी नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग फोर टू द राइट ऑफ डब्लू, डब्लू के फोर्थ राइट, सो डब्लू ये वन टू थ्री फोर, यू. नेक्स्ट अभी आंसर कर दो, बहुत देर हो गई, सारे क्वेश्चन मैं ही सॉल्व कराऊंगी, फिर आप लोग क्या करोगे, आंसर बताइए जल्दी से. विच अमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ पीपल इज इमीडिएट नेबर ऑफ टी, आपको टी के इमीडिएट नेबर्स बताने हैं. क्वेश्चन नोट डाउन नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन कॉपी पर नहीं लिख रहे हो ना,
वो आने जाने वाले लोग हैं, UNV, यस ऑप्शन बी. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, जल्दी से बताइए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, स्पीच से आंसर दीजिएगा. सो W faces U is the correct answer. Clear? Next. If all the person are made to sit alphabetical order from right of P, then how many position person remain unchanged? Excluding none is true. None is true कहाँ होगा रोहित? देखो, W faces U है बेटा. W का फेस U की तरफ है ना? सो लास्ट वाला बताइए क्या होगा. लास्ट वाला जब आप अरेंज करोगे तो ये बनेगा ना, आर टी क्यू पी वी डब्ल्यू यू और एस. अभी उसने बोला क्या है, मुझे क्वेश्चन कराते कराते पता है सल्यूशन याद हो जाता है, क्वेश्चन कराते कराते सोल्यूशन याद हो जाता है. देन द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी रिमेन एक्सक्लूडिंग, ठीक है, पी से स्टार्ट करना है हमें, फ्रॉम द राइट ऑफ पी. ओके, सो अनचेंज एक्सक्लूडिंग पी, सो कितने लोग अनचेंज रहेंगे ध्यान से देख लीजिएगा. सो 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 एक तो आपका टी और डब्ल्यू है, सो ऑप्शन बी टू इज योर करेक्ट आंसर. क्लियर? हेलो उन्नति, आप लेट हो गए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से देख लेना, ठीक है. नहीं रिया, टू होगा ना, देखो राइट में जाना है ना, तो आपका जो टी है और डब्ल्यू है ये अनचेंज रह रहा है. ओके जी, टू हो जाएगा, ठीक है. उन्नति आप लेट हो गए हो, ये वाला क्वेश्चन देख लेना, अच्छा क्वेश्चन था. चलिए, ये अब एक सिंपल सा क्वेश्चन आया है आप लोगों के सामने, डिफिकल्ट क्वेश्चन तो आप लोगों ने बहुत सारे कर लिए, अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है. देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है ना, कि मेंस का एग्जाम है तो मेंस में एग्जामिनर जरूरी नहीं है डिफिकल्ट क्वेश्चन ही दे. सो वो आपके सामने इजी क्वेश्चन भी रख सकता है, डिफिकल्ट भी रख सकता है, वहां पे इंपॉर्टेंट है कि सेलेक्ट करना कि कौन सा इजी था कौन सा वाला डिफिकल्ट था, है ना. सो जल्दी से इस क्वेश्चन को करिए, ये बहुत सिंपल सा रैंकिंग का क्वेश्चन है और आप सभी लोग इसको स्पीड से कर लोगे, जल्दी जल्दी से स्पीड से सॉल्व. ओके रजनी, एक बार दोबारा से ट्राई कर लेना, क्वेश्चन सिंपल था, ठीक है, बस मेन उसमें ट्रू टेलर और मतलब ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट आपने देखना था और कुछ नहीं था.
ओके बाबा, रोहित, रजनी, उन्नति, रिया, दिव्यम सॉल्व हो गया आप लोगों का? जल्दी से कमेंट कर दो। स्पीच है बैकअप का सॉल्व हो गया, और किसका हुआ है सॉल्व जल्दी से बताइए। प्री का लेवल, प्री लेवल क्वेश्चन है ये, जल्दी करिए थोड़ा सा। डन, ओके। रिया सॉल्व हुआ बेटा? हाउ मेनी पर्सन आर हैप्पियर देन के? जल्दी से बताइए कि के से कितने बंदे हैप्पी होंगे। स्पीच से हाउ मेनी पर्सन आर हैप्पियर देन के? आ रजनी, वो वाला क्वेश्चन सॉल्व किया बेटा आपने, जो कोडिंग एंड डिकोडिंग का मैंने क्वेश्चन दिया था, एक नंबरिंग वाला। अगेन पावर कट, मतलब ये यूपी वाले तो बर्बाद कर दिए बिल्कुल। लाइट जा जाके ऐसा लग रहा है ना कि कहाँ रह रहे हैं हम। सो ऑप्शन ए 4 इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। अगेन पावर कट, मतलब ये मानिए अभी शाम से 4 बार जा चुकी है आपका, 9:30 से ये 4th टाइम पावर कट हुआ है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन लाइक ब्राउन? बुद्धापेस्ट में नहीं रह रहे रोहित, अलीगंज में रह रही हूँ, पता नहीं क्या कर रहे हैं ये लोग। सो ऑप्शन बी जी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। और मेरे को दिखना बंद हो जाता है बार बार, ये पावर कट होता है ना और फिर एकदम से लाइट आती है तो कुछ भी नहीं दिखता है। हेलो, ओके, हाँ चलो। एक्सप्लेन करूँ इसको? देखो जिसका नहीं हुआ, उन्नति सॉल्व नहीं हुआ बेटा। टोटल 8 पर्सन है, डिफरेंट कलर लाइक कर रहे हैं। योगी जी को कॉल करिए। अच्छा बाबा नंबर फॉरवर्ड कर दो, मेरे पास नंबर नहीं है, है ना? नंबर फॉरवर्ड कर दो बेटा। सो स्टार्ट करें। ओनली 2 पर्सन आर हैप्पियर देन वी, तो वी से सिर्फ 2 ही लोग हैप्पी हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। जी इज अ हैप्पियर देन टी बट लाइटर देन एस। नेक्स्ट, आर लाइक्स ब्लू कलर एंड इज लाइटर देन एम। नेक्स्ट, टी इज नॉट द लाइटेस्ट, सो टी आपका लास्ट में नहीं आना है। आर इज हैवियर देन एस, सो आर इज हैवियर देन एस। नेक्स्ट, द वन हु इज द लाइटेस्ट इज येलो कलर, सो लास्ट वाला जो बंदा है वो येलो कलर लाइक करेगा। के लाइक्स ग्रे कलर, के इज हैवियर देन जी बट लाइटर देन एस। नेक्स्ट, द वन हु ब्लैक इज हैवियर देन ग्रीन, सो द वन हु ब्लैक इज हैवियर देन ग्रीन बट लाइटर देन व्हाइट। ओके, द वन हु लाइक्स ब्राउन कलर ऑरेंज, सो ब्राउन वाला बंदा ऑरेंज से हैवी है
बट लाइटर देन द वन हु लाइक्स ग्रीन. ठीक. हाँ, इसमें रजनी दो ही हैं. उन्नति हो गया आपका? आपके आंसर नहीं आए थे बेटा, या फिर मैंने नहीं देखे, पावर कट हो गया ना, तुम बोल रहे हो मुझे फेंकना बंद हो गया. चलो देखो, स्टार्ट करें, ध्यान से समझना. ठीक, टी आपका लास्ट में आना नहीं है, तो लास्ट में हम और किसी को रख नहीं सकते, तो लास्ट में हमारे पास क्या बचेगा? पी, टी. ठीक, ये सीक्वेंस जाएगा आपका. और कलर के का ग्रे है, आर का ब्लू है, पी येलो हो गया, और वाइट ब्लैक ग्रीन रखना है. ये येलो कलर है, सो वाइट. चल जाओ भाई, ब्लैक ग्रीन. ठीक लिखा ना मैंने? ग्रीन यहाँ आएगा ना, वाइट ब्लैक और ग्रीन, और लास्ट में ये ब्राउन ऑरेंज, यही बनेगा ना. क्लियर? क्या लिखे हो? हाँ, ब्राउन ऑरेंज येलो. ठीक है, ओके डन. कहाँ रहते हैं भाई एलेक्स आप? कहाँ गायब रहते हो पहले ये बताओ. और इसके दो ही क्वेश्चन थे, आगे सिलॉग्स हैं, तो सिलॉग्स करेंगे अभी, या फिर ये वाला सेशन मैं एंड कर दूं? पावर कट हो रहा है बार बार, पता नहीं क्यों हो रहा है, इरिटेशन हो जाती है. ये सिलॉग है, ठीक है, इनइक्वालिटी है. मैं सिर्फ क्वेश्चन दिखा रही हूँ, ये क्वेश्चन मैं कल कराऊंगी. ये वाला क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, देखो. हाँ, क्रिकेट मैच देखो, मेंस एग्जाम देते ना, फिर मैच देखते रहना. ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देख लो, आपने सर्कल के अंदर सर्कल किया ना, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर किया, ये क्वेश्चन आपका स्क्वायर के अंदर स्क्वायर है. देर आर 16 पर्सन, बी सी डी ई एफ जी एच आई पी क्यू आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू स्टैंडिंग इन अ स्क्वायर प्लॉट. इन साइड ए स्क्वायर प्लॉट अ स्क्वायर शेप्ड गार्डन इज डेवलप. ठीक है, सो स्क्वायर के अंदर स्क्वायर वाले मैंने क्वेश्चन आपको कराया, बट वो प्री लेवल का कराया है, ये मेंस लेवल का है. ठीक है, मैंने आपको प्री लेवल का कराया है, बट ये क्वेश्चन आपका मेंस लेवल का है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को प्लीज एक बार ट्राई कर लेना. ठीक है, मैं सिर्फ आज क्वेश्चन दिखा रही हूँ, मैं कल करा दूंगी इसको. ठीक, और ये वाला मशीन इनपुट का क्वेश्चन मैं बहुत बार करा चुकी हूँ. वैभव, रजनी, रोहित, ये इस टाइप का मशीन इनपुट का क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार कराया हुआ है, सो ये भी आप लोग डेफिनेटली कर लोगे. ठीक, अजम्पशंस के क्वेश्चन भी हैं. सो अब हम लोग सोच रहे हैं ना. नहीं दिव्या, मैं घर से क्लासेस लेती हूँ बेटा, पीडीएफ इसका दे दूँ, हम सॉल्व करेंगे. ठीक है, हम सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन भेजेंगे एलेक्स, फर्स्ट वाला ट्राई कर लेना. ठीक, और अब हम लोग ना मिक्स क्वेश्चन में आपकी क्रिटिकल रीजनिंग, मतलब जो इतनी भी लॉजिकल रीजनिंग होती है ना, अजम्पशंस, आर्ग्यूमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, उन सबको भी रखना स्टार्ट कर रहे हैं. तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, उम्मीद करती हूँ कि इसका आंसर आप सभी लोग दे दोगे, और इसी उम्मीद पे कायम रहिएगा. सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, होमवर्क दे दो मैम. होमवर्क मैं बेटा दे दूंगी, डोंट वरी, बट ये क्वेश्चन तो आपने अभी करना है. पढ़िए एक बार. इन बॉम्बे रेलवे स्टेशन आर इंडिस्पेंस फॉर पीपल इन द सफर्स टू रीच देयर प्लेसेस ऑन वर्क ऑन टाइम. मुंबई में उपनगरों के लोगों के लिए अपने कार्यस्थल पर समय से पहुंचने के लिए रेलवे ट्रेनें अपर्याय है. अजम्पशंस, रेलवे ट्रेन आर द ओनली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट
एवल इन द सर्विस ऑफ मुंबई, ओनली रेलवे ट्रेन रन पंचुअली, क्या होगा बताइए? अजम्पशन आ गई, फाइनली आ गई, जल्दी बताइए, जल्दी से बताइए करेक्ट क्या हो जाएगा। हम भी उम्मीद लेके हैं कभी ना कभी जॉब लग होगा। हाँ मैच देखे होगा, मिक्स डेली कराऊंगी मैं। हाँ सेकेंड डेफिनेटली रॉन्ग है, यस वेरी गुड उन्नति रोहित रिया, ऑप्शन डी नीदर नॉर, बिकॉज इनमें से दोनों में से कोई भी आपका रिलेट नहीं कर रहा है। ऐसा जरूरी थोड़ी ना कि मुंबई में सिर्फ जितनी भी ट्रेन्स हैं वही एक मीडियम है, वही एक मोड है, बिल्कुल नहीं है। और ट्रेन कभी टाइम से पहुंचती हैं जो अब पहुंचेंगी ये तो नॉर्मल वाली बात है। सो इसमें आपका नीदर नॉर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। उन्नति देखो क्या इस क्वेश्चन में कुछ भी था और आपने विद इन सेकेंड आंसर सही दे दिया, क्लियर? ओके तौफीक, चलिए एक और क्वेश्चन है अजम्पशंस का और ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। यस रजनी, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर बेटा। आई वुड लाइक टू स्टडी द इम्पैक्ट द पे रिविजन ऑन जॉब सेटिस्फेक्शन ऑन द एम्प्लॉय अ टेल्स बुई। ओके, जॉब सेटिस्फेक्शन कैन बी मेजर्ड अ हैज नेसेसरी कॉम्पिटेंस टू अंडर टेक सच स्टडी, बताइए इसका अजम्पशन क्या होगा? स्पीड से आंसर दीजिएगा। हाँ चलिए, मैं कर्मचारियों की नौकरी को संतुष्ट पर वेतन संशोधन के प्रभाव का अध्ययन करना चाहता हूँ, ए बी से कहता है। अजम्पशंस, ए नौकरी की संतुष्टि को मापा जा सकता है, नहीं जीवन में समय ही नहीं मिलता तौफीक। ए के पास ऐसा अध्ययन करने की आवश्यक क्षमता है। आप अपना चॉइस है, टेस्ट में डिग्री ओनली वाला तो वैसे भी डाउट में होता है इसलिए गलत होता है। अच्छा रजनी बताइए, यस वेरी गुड बाभव उन्नति, ऑप्शन ई इज अ करेक्ट आंसर। वो दोनों ही इम्प्लिसिट हैं, बोथ आर इम्प्लिसिट, ठीक है बिल्कुल। कैन बी मेजर लिखा हुआ है ना, कैन बी दिव्यम, ए बी होगा बेटा, बी बी होगा। ए हैज द नेसेसरी कंपिटेंसी टू अंडरटेक सच स्टडी, दोनों होंगे। यस रिया, ऑप्शन ई हो गया दिव्यम, क्लियर है ना? डन, सो ये वाला सेशन मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, ठीक है? क्वेश्चन अभी बहुत सारे बचे हुए थे बट हम इनको कल करेंगे। ये इसमें आधा गायब हो गया, चलो कोई नहीं, ठीक है ओके जी रजनी, बोथ आर इम्प्लिसिट। टाइमिंग सेम होती है, बस पावर कटना हो। कल नहीं करेंगे भाई, अभी कितना टाइम हो गया, 11:30 हो गया। बस 5 मिनट का मुझे टाइम दे दो, 5 मिनट में मैं आपकी बैंक लेडर पे क्लास स्टार्ट कर रही हूँ, उसमें लाइव आ जाना। आज मैं आपको ब्लड रिलेशन सिलॉग ब्लड रिलेशन बेड डायरेक्शन ये क्वेश्चन कराने वाली हूँ, तो जल्दी से आप सारे लोग वहाँ पे लाइव आ जाओ। और जिसको भी लगता है कि अरेंजमेंट ऑफ ब्लड रिलेशन में प्रॉब्लम होती है, ऐप पे क्लासेस कल से रेगुलर हो जाएंगी दिव्यम, ठीक है कल से रेगुलर हो जाएंगी। सो रिपोर्ट एंड विन, अगर आपको किसी भी वीडियो में कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट मिलता है आप उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपकी रिपोर्ट करेक्ट होगी, ठीक है, सो 5 मिनट के बाद मैं स्टार्ट कर रही हूँ। हाँ मेंस का स्टार्ट कर रही हूँ नदी, एंड प्लस पे जितने लोग भी हैं, प्लस से मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है 18th of August चल रहा है ना, 18th of August अर्ली मॉर्निंग सुबह 8 बजे, ठीक है ओके। सो चलिए मिलते हैं हम लोग
पांच मिनट के बाद बैंक लेटर पे, जहां पे आप, मैं आपको प्रियो मेंस के मिक्स क्वेश्चन कराने वाली हूँ. ओके, सो सेशन को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा, एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. सो मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट सेशन में, तो तब तक के लिए जी ओके, बाय बाय, टेक केयर.